सीवीडी 2023 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बफर डेट्स थी 23 जून तक जो बफर डेट्स ली गई यूजी वाले बच्चों के लिए, अब उसका भी यूज होगा। मतलब जो 19 से 23 जून का टाइम था जिसको बफर डेट्स लिया गया था, उसमें आपके एग्जाम्स होने वाले, मतलब जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, रीशेड्यूल वाले जो बच्चे हैं ना, जिनके एग्जाम्स किसी कारण कैंसिल हो गए थे या कुछ पोस्टपोनमेंट हो गई थी, उन सबको लग रहा था उनके एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आप लोग के लिए एक तरह से अच्छी खबर है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। 23 जून तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। अब शायद से नई बफर डेट्स भी आ सकती है 24-25 की, ये बात चल रही है, अभी बिल्कुल ऑफिशियल हुआ नहीं है, लेकिन 23 जून तक एग्जाम्स किए जाएंगे ये बात बिल्कुल श्योर है, बिकॉज बहुत सारे रीशेड्यूल बच्चों के एग्जाम्स अभी हो नहीं पाए हैं। जो पीजी वाले बच्चे हैं ना, उन सबके एग्जाम्स भी 23 जून तक खिंच रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। 21 से 23 जून तक उनके भी एग्जाम्स होंगे, तो इससे ये सामने आता है कि आपके एग्जाम्स और लेट हो गए हैं, तो रिजल्ट्स का कोई अभी कोई सिनेरियो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बिकॉज अगर 23 जून तक खत्म भी कर देते हैं, जिसकी थोड़ी सी उम्मीद कम है, अगर खत्म कर भी देते हैं तब भी मेरे ख्याल आपका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद आएगा, फर्स्ट वीक के अंदर तो नहीं आ पाएगा, तो उसके बाद ही आपका फिर प्रेफरेंसेस बन पाएगी। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा ये पूरा प्रोसेस अब थोड़ा सा खिंच गया है, तो अगस्त से कॉलेज जाना भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बिकॉज अगर प्रेफरेंस ही नहीं भरोगे तो फर्स्ट आपकी वो कब आएगी कट ऑफ वगैरह, और थोड़ा प्रोसेस मेरे ख्याल और लेट हो गया है। बाकी फिलहाल अपडेट ये है कि जिन बच्चों का आया नहीं है एग्जाम अपडेट, वो बिल्कुल परेशान ना हो, 23 जून तक डेट्स हैं, आप सबके एग्जाम्स होने वाले हैं। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट गाइज।